चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी, अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजनों से मिले, परिवार से वीडियो कॉल का वादा निभाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज अचानक तड़के राहुल गांधी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की, जिससे वह अपने अमेरिका दौरे के दौरान मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उसे अमेरिका में वीडियो कॉल कर सबूत भी दिया। राहुल गांधी करनाल जिले के घोघड़ी पर गांव में सुबह करीब 5:30 बजे अचानक पहुंचे थे। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस दौरे के बारे में ना तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सूचना दी और न ही पुलिस प्रशासन को। वह इतनी सुबह अचानक पहुंचे कि सभी दंग रह गए। बता दें कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात अमित कुमार नाम के एक लड़के से हुई थी। वह घोघड़ीपुर गांव का ही रहने वाला था। अमित का कुछ समय पहले अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था, इसके बाद वह अस्पताल में ही भर्ती है। अमेरिका में मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने अमित से वादा किया था कि जब वह वापस भारत जाएंगे तो उसके घर वालों से जरूर मिलकर आएंगे और युवक से वहां पहुंचकर वीडियो कॉलिंग भी करेंगे। राहुल गांधी अपने वादे के अनुसार आज सुबह घोघड़ीपुर में अमित कुमार के घर पहुंच गए। वहां वह अमित की मां बीरमती और पिता बीर सिंह से मिले। राहुल गांधी यहां से करीब 7:10 पर निकले। यहीं से राहुल गांधी ने अमित को वीडियो कॉलिंग भी की। बीरमती ने राहुल गांधी को बताया कि उनका बेटा करीब 1.5 साल पहले अमेरिका गया था और वहीं काम करता है।